तू आएगी म्यूजिक लॉन्च पर, मैं आपको अली खान जी के सुपुत्र फयाज अली खान, टैलेंटेड एक उभरते हुए कलाकार, सुनते हैं उनके मन की बात। फयाज अली खान और मैं फिल्म एक्टर अली खान का बेटा हुआ। मेरी काफ़ी फिल्म्स एज अ प्रोड्यूसर आ चुकी है, जो अमेजोन और प्राइम पे है, जो आप गूगल पे देख सकते हैं। और एज अ डायरेक्टर मैंने काफ़ी लोगों के साथ एसोसिएट में काम किया था। को डायरेक्टर में मेरी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। और अभी एज एन एक्टर मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, जो मैंने दो तीन गाने कर चुके, लेकिन एज अ मेन लीड ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है तू आएगी, जिसके प्रोड्यूसर है ईशान हैदर और डायरेक्टर है शहनवाज और मेरी को स्टार है पूनम। तो आप मुझे इसमें एक रोमांटिक सैड सॉन्ग में देख सकते हैं। मेरा नया अवतार देखेंगे आप लोग ये गाने में। आपने अभी तक मेरे को बैक ऑफ कैमरा, मैंने बहुत सारा इंडस्ट्री में बहुत काम किया था, लेकिन ऑन फ्रंट मैं फर्स्ट टाइम एज ए मेन लीड आ रहा हूँ। इसके बाद लाइनअप में मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, दो तीन गाने और हैं, दो फिल्म्स हैं जिसकी शूटिंग 10-15 दिन में शुरू होने वाली है। सेम डायरेक्टर के साथ मैं नेक्स्ट सॉन्ग कर रहा हूँ, जो 15 दिन में जो हमारी बकरीद आ रही है उसके बाद वो गाना स्टार्ट होने वाला है। तो होपफुली आपको ये गाना भी पसंद आएगा, जो आज का दौर है, जो यूथ कनेक्ट होती है जो सैड सॉन्ग से, वो दौर पे ये गाना कनेक्टेड है। और रूबीकॉन पे, रेड रूबीकॉन पे ये गाना रिलीज़ होगा, जो यूट्यूब पे रेड रूबीकॉन चैनल है उस पर आप लोग ये गाना देख सकते हैं। और बहुत खुशी होगी आप लोग को, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को ये गाना देख के। हम लोग की काफ़ी मेहनत लगी ये गाने में, काफ़ी दिन लगा हमारे ये गाने में। तो आप लोग ये गाना देखिए, 10-15 दिन में ये गाना ऑनलाइन आने वाला है। ये गाना पिक्चराइज 2-3-4 लोकेशन पे हुआ है। बांद्रा सीलिंग पे हमने पिक्चराइज किया है, हम पनवेल गए थे, पनवेल में हमने रिसॉर्ट बुक किया था, वहाँ पे पिक्चराइज हुआ है। लोनावला में ये गाने की शूट हुई है, तो 3-4 अलग अलग लोकेशंस ये गाने में यूज हुआ है। बैंडस्टैंड का काफ़ी खूबसूरत आप बैंडस्टैंड का व्यू देखेंगे ये गाने में। बहुत मुश्किल से हमको बैंडस्टैंड पे परमिशन मिली थी शूट करने की, तो 3-4 अलग अलग लोकेशन है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन है जो आप ये गाने में देख सकेंगे। म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये फिल्म का, ये गाने का जिन्होंने म्यूजिक दिया है, काफ़ी उन्होंने अच्छे अच्छे गाने का म्यूजिक दे चुका है, तो आपको ये म्यूजिक भी आप हर प्लेटफॉर्म पे सुन पाएंगे। बहुत उदास है, बहुत कनेक्टेड है ऑडियंस से, तो आपको मज़ा आएगा। इसकी म्यूजिक बहुत प्यारी, बहुत सॉफ्ट म्यूजिक है। जी, जो आमिन सिंगर है उन्होंने भी बहुत अच्छा गाना गाया है, बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी, बहुत दर्द भरी आवाज़ है। और जैसे ही आदमी उनकी आवाज़, जो दर्द है उनकी आवाज़ में सुनता है, तो आँख से आंसू अपने आप निकलने लग जाते हैं। तो बहुत अच्छा गाना।